Hello everyone, myself Saba Bandri and welcome to my YouTube channel All About English Literature, where you can get explanation of all the terms and concepts related to English literature. ये मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से. What is literature and what is the importance of studying it? आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं या होंगे जो बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर लेने के बाद अपने शुरुआती लेक्चर्स में काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज जैसे उन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होता है. हालांकि 12th तक की पढ़ाई में भी वो अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स जैसे पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज एट्सेट्रा ही पढ़ते हैं, बट उन फॉर्म्स और उसमें प्रेजेंट किए गए कंटेंट को एनालिटिकली देखने का नज़रिया हम में पैदा नहीं हुआ होता, जो एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हमें सीखने को मिलता है. अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, लिटरेचर मीन्स राइटिंग्स हैविंग एक्सेलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑफ परमानेंट और यूनिवर्सल इंटरेस्ट. सो हियर टू वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट विच डिस्टिंग्विश literary work from general writings, and these two words are form and expression. दुनिया में करोड़ों की तादाद में written works है, जैसे books, magazines, journals and even newspapers भी. But जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर वो चीज जो लिखित स्वरूप में हो वो literature नहीं होता. तो ऐसा क्या है जो literature को अलग बनाता है? तो मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन जब आप अपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो तो वो आपको बोरिंग लगता है, जबकि वही वर्ल्ड वॉर की घटनाएं आप किसी स्टोरी या पोएट्री में पढ़ते हो तो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है और साथ ही आपके दिलो दिमाग पर उसका एक अलग ही असर पैदा होता है जिसे आप महसूस करते हो, यू फील इट. और यही लिटरेचर का पहला फीचर है, that it deals with the human emotions of various kind. Literature has connection with almost all the faculties of human world, like history, society, science, geography, law, ethics, etc. but presents them in a particular literary form, such as poem, short story, drama, which has artistic and aesthetic qualities and creates impression. It appeals to our emotions. So, this is the basic difference between literature and other human faculties. तो ये था लिटरेचर के बारे में. अब हम जानते हैं इसका महत्व. Why one should study literature? वैसे देखा जाए तो इसके हजारों जवाब हो सकते हैं, पर यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, लिटरेचर हेल्प्स एक्सपांड होराइजन्स. जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तब हमें डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट आइडियोलॉजीज से रूबरू होने का मौका मिलता है, एंड इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. सेकंड पॉइंट, इट गिव्स अ व्यू इनटू द ह्यूमन कंडीशन. इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन डिफरेंट थीम्स और कैरेक्टर्स से है, जो कि लिटरेचर के एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. लिटरेचर में हम दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस से स्टडी करते हैं और साथ ही खुद की ज़िंदगी को भी अलग नज़रिए से देखने लगते हैं. थर्ड पॉइंट, लिटरेचर सपोजिटली होल्ड्स अप अ मिरर इन विच एवरी रीडर सीज समथिंग डिफरेंट, मींस इट गिव्स वैरायटी टू द रीडर्स. ये मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मूले की तरह नहीं जो हमेशा सेम ही रहते हैं और स्टूडेंट्स को लिटरली उन्हें रटना पड़ता है, पर लिटरेचर में हर एक का व्यू डिफरेंट हो सकता है जो उस पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा. फोर्थ पॉइंट, अ प्रिविलेज मीडियम फॉर स्टडीइंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज. एक ही स्टोरी को जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं तो हमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं. कभी कभी एक पर्सपेक्टिव से स्टडी करने पर जो बात हमें गलत लगती है वही दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने पर हमें वो सही भी लग सकती है. फिफ्थ पॉइंट, लिटरेचर हैज़ एस्थेटिक वैल्यूज.
लिटरेचर में ब्यूटी ये कंसेप्ट जनरली लैंग्वेज से रिलेटेड है। ऑथर अपने टेक्स्ट में फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करता है जिससे वो राइटिंग इम्प्रेसिव बनती है और रीडर को एस्थेटिक प्लेजर देती है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन ह्यूमन लाइफ। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग। थैंक यू।